हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निक्कीस गार्डन। तो आज हम अजवाइन के बारे में बात करेंगे और इसे कटिंग से लगाएंगे। तो अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं इसके इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी लीव्स बहुत ही मोटी होती है और ये एक मेडिसिनली प्लांट है और ये बहुत खूबसूरत दिखता है और ये बहुत ही आसान तरीके से लगाया भी जाता है और ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और छोटे से छोटे पॉट में या ग्लास में ये ग्रो हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत लग रहा है ये प्लांट। तो ये कटिंग से भी लगाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, ये इतने ही हमने 15 सेंटीमीटर के 5 सेंटीमीटर के पॉट में लगाया है। तो ये कितनी अच्छी तरह से ग्रो हो गया है और हमने भी इसे कटिंग से ही लगाया था तो ये इतनी अच्छी तरह से ग्रो हो गया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये मदर प्लांट था, इसे ही हमने सारे प्लांट बनाए हैं। तो इसे पफ भी आया है, इसे पफ आता है। तो ये बहुत छोटा था जब हमने लाया था, इतना इतना ही था वो इतना। अभी ये ग्रो हो गया है तो हमने इसे यहाँ से कट कर दिया था और बाजू में साइड में लगा दिया था। अब मैं इसके आपको कटिंग लगाना बताऊंगी। तो अगर आप इसकी इतनी भी स्टेम काट के अगर मिट्टी में लगाते तो ये ग्रो हो जाएगा इजी तरह से। मैं आपको कटिंग बताती हूँ इसकी। देखिए फ्रेंड्स, इसकी इतनी कटिंग आप ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी भी अगर आपने कटिंग ली इसकी तो ये अच्छी तरह से लग जाएगा। तो इसकी ऐसे स्टेप कुछ नीचे की स्टेम, कुछ नीचे की लीव्स निकाल देंगे और इसे सॉइल में डाल देंगे। तो एक ऐसा खड्डा टाइप पैसा करना है हमें। देखिए फ्रेंड, और इसे इस तरह से देखिए, दिख रहा है ना आपको? देखिए इस तरह से लगा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरह से लग गया है। तो ये कटिंग से भी लग जाता है और ये बहुत ही अच्छा पौधा है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसके लिप्स को ऐसे छुएंगे भी ना तो इसमें से खुशबू आना, अजवाइन की खुशबू आएंगी। और ये अजवाइन के बीजों से नहीं लगता है, अजवाइन से ग्रो नहीं होता है। अजवाइन के अगर आप बीज डालेंगे तो ये अलग पौधा आएगा, उसके शेप के भाती के जैसा सा कुछ ऐसा पौधा होता है और सोप के जैसा कुछ पौधा होता है ऐसा। और ये अलग है, ये सिर्फ डंडी से ही ग्रो होता है और ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। और अगर आपको इसकी रेसिपी भी बनती है और ये भजिए वगैरह में काम आते हैं और ये मेडिसिनली प्लांट है, इससे बहुत दवाइयाँ भी बनाई जाती है। और ये खांसी सर्दी, अगर आपको अभी कोरोना का टाइम है तो खांसी सर्दी किसी को है तो अगर आप इसकी इतने भी ऐसा पत्ता ले लेंगे, तोड़ लेंगे इसमें से, अगर ऐसा कच्चा भी खा लेंगे तो ये आपकी खांसी और सर्दी और पेट दर्द के लिए काम आ जाएगा, आप जल्दी से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो बाय बाय।